हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुकलो। तो आइए देखते हैं हम 22 अप्रैल का करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर वन, देखिए क्या लिखा हुआ है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पार्टनर्ड विद यूएस बेस्ड एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरर जनरल इलेक्ट्रिक टू सेटअप अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। किस राज्य सरकार ने उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने के लिए अमेरिका स्थित विमान इंजन निर्माता जनरल इलेक्ट्रिक, जनरल इलेक्ट्रिक जो विमान के इंजन, एरोप्लेन्स के इंजन को, एयरक्राफ्ट के इंजन को डिजाइन करता है, उस कंपनी के साथ में साझेदारी की है। तो उसका क्या आंसर? ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में की है। अब आइए, अगर हम लोग तमिलनाडु के कुछ जानकारी की बात की जाए, तो तमिलनाडु एक ऐसा पहला स्टेट बना है जिसने अपने राज्य में से कौन से पेपर को निकाल दिया, उसने अपने राज्य में से नीट एग्जाम को रिमूव कर दिया। कौन से एग्जाम को? नीट के एग्जाम को रिमूव कर दिया है ताकि बच्चों पर प्रेशर ना बने। ओके, नीट के एग्जाम को रिमूव कर दिया। ओके, चलिए। और अगर हम लोग तमिलनाडु के जीएसडीपी की बात करें, जीएसडीपी की बात करें, तो उन्होंने अपने जीएसडीपी का टारगेट कितना रखा है तमिलनाडु ने? 2030 तक ये लोगों ने टारगेट रखा है जीएसडीपी का $1 ट्रिलियन। कितना? $1 ट्रिलियन। ओके, $1 ट्रिलियन टारगेट 2030 तक इनकी जीएसडीपी $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटीज हैज ऑर्गेनाइज्ड द इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2022 टू शोकेस रिसर्च एंड इनोवेशंस। निम्नलिखित में से किस आईआईटीज ने अनुसंधान और नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी मद्रास ने ये काम किया है। किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने किया है। ओके, चलिए। अब अगर यहाँ से मैं आपसे सवाल पूछूं, बताइए 14th हुनर हाट ये आपका कहाँ पर हुआ था? बताइए आपका कहाँ पर हुआ था? आपका हुआ था मुंबई में, जिसके बारे में मैंने अभी बीते हुए दिन में बताया है। चलिए बताइए, डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ पर हुआ था? डिफेंस एक्सपो 2022 आपका कहां पे हुआ था? गुजरात में। ओके, गुजरात। चलिए बताइए, स्मार्ट विंडो इसकी पहल किसके द्वारा की गई थी? आईआईटी गुवाहाटी द्वारा। किसके किसके द्वारा? आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी द्वारा। ओके, चलो। सॉइल टेस्टिंग डिवाइस किसने बनाया था? बताइए, सॉइल टेस्टिंग डिवाइस किस आईआईटी ने बनाया था? आईआईटी कानपुर ने। किसने बनाया था? आईआईटी कानपुर ने। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। एट विच 2021 AIMA मैनेजिंग इंडियन अवार्ड्स AIMA, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 AIMA मैनेजिंग इंडियन अवार्ड्स में निम्नलिखित किसे डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है सुजीत सरकार को किया गया है। चलिए, सुजीत सरकार ने कौन सी मूवी रिकॉर्ड की है? आपको पता होगा मूवी निकली थी, मूवी सरदार उद्धम सिंह। ओके, सरदार उद्धम सिंह। ओके, इसके इसके डायरेक्टर भी कौन है आपके? कौन है? सुजीत सरकार। कौन है? सुजीत सरकार। ओके, चलिए बताइए, ओ हेनरी अवार्ड 2022 किसको मिला था? ये मैंने आपको बताया है, ओ हेनरी अवार्ड 2022 किसको मिला था? ये मिला था अमर मित्रा को। किसको मिला था? अमर मित्रा को। ओके, चलिए बताइए, वर्ल्ड सीईओ ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसको मिला था? वर्ल्ड सीईओ ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसको मिला था?
मिला था? किशोर कुमार को। किसको मिला था? किशोर कुमार। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या लिखा हुआ है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च इट्स स्पेस टेक फ्रेमवर्क ऑन फेसबुक मेटावर्स। किस राज्य सरकार ने फेसबुक मेटावर्स पर अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तेलंगाना ने लॉन्च किया है। साउथ के स्टेट तो मचा रहे हैं आजकल, हर जगह वो लोग अपना नाम कर रहे हैं। अगर उनकी मूवी KGF 2 की बात की जाए तो वो ब्लॉकबस्टर मूवी है। ओके चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अगर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखा जाए तो बताइए, रॉक म्यूजियम कहाँ पे आपका? रॉक म्यूजियम कहाँ पर है बताइए? रॉक म्यूजियम कहाँ पर है? ये आपका है हैदराबाद में। कहाँ पर है आपका? हैदराबाद में। ओके चलिए, इंटरनेशनल योगा अकेडमी कहाँ पर है? इंटरनेशनल योगा अकेडमी, इंटरनेशनल योगा अकेडमी कहाँ पर है आपकी? ये भी आपकी कहाँ है? हैदराबाद में। और हैदराबाद का आपका तेलंगाना में। ओके चलिए, देन उसके बाद में बताइए माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेंटर कहाँ पे? ये भी आपका हैदराबाद में ही है, माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेंटर। माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेंटर ये भी कहाँ है? हैदराबाद। चलिए पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, With which country has agreed to establish a virtual network center on quantum computing? Quantum computing पर virtual network center स्थापित करने के लिए भारत किस देश के साथ, भारत ने किस देश के साथ सहमति जताई है? तो इसका आंसर है फिनलैंड के साथ में। किसके साथ में? फिनलैंड के साथ में। ओके फिनलैंड के साथ में। क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। अगर आपका बैकग्राउंड साइंस का है, अगर आपका बैकग्राउंड साइंस का है तो आपको एक बार तो क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ना चाहिए। किसके बारे में? क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में, क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ना ही चाहिए। ओके चलिए देखिए, जैसे सपोज मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दूँ, आप लोग अगर नॉर्मल पीसी में जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है अगर आप लोग उसके अंदर हेड या टेल वाला गेम खेलते हैं तो उसके अंदर 50% चांसेस होते हैं कि आपका हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ओके तो उसमें आपके जीतने के भी चांसेस कितने होते हैं? 50% होते हैं कि आप लोग जीत जाएंगे। बट अगर सपोज आप लोग यही गेम क्वांटम कंप्यूटर्स में खेलते हैं, आप लोग यही गेम क्वांटम कंप्यूटर्स में खेलते हैं तो 99.99% चांस है कि यहाँ पे आपका क्वांटम कंप्यूटर ही जीतेगा। समझिए, क्योंकि यहाँ पर हेड और टेल के जो बीच की स्थिति होती है, हेड और टेल के जो बीच का कंडीशन होता है वो भी दिखा देता है, तो वो जीता कि हारा ये बताना मुश्किल होता है। समझ गए? हेड और टेल के बीच का जो कंडीशन नहीं होता कि आपका सिक्का बीच में रुक गया कहीं पे आके, देखा होगा आपने मूवीज के अंदर हीरो ने सिक्के को बीच में ही रोक दिया है, तो हेड और टेल के बीच का कंडीशन भी इसके अंदर आ जाता है। वो सारी कंडीशन इसके अंदर होती है जो हम लोग सोच सकते हैं, वर्चुअल कंडीशंस। ऐसी कंडीशंस, वर्चुअल कंडीशंस। जैसे कि अगर आप लोग साइंस के हैं तो मैं आपको यहाँ पे एक थ्योरी का नाम सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर साइंस के बच्चे ने तो भी आप लोग जाके उनको पढ़ना, ब्लैक कैट थ्योरी। क्या नाम उसका? नाम ब्लैक कैट थ्योरी है, ब्लैक कैट कंसेप्ट भी बोलते हैं उसको, ब्लैक कैट कंसेप्ट। देखो अभी उसका मतलब क्या होता है, सपोज यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है, ओके यहाँ पे एक बॉक्स है और वो बॉक्स एक काले अंधेरे में रखा हुआ है, ब्लैंक रूम के अंदर, और बॉक्स का रंग भी काला है और उसके अंदर एक कैट को रखा गया, उसके अंदर एक कैट को रखा गया। अब जिस साइंटिस्ट ने कंसेप्ट दिया था उसने बोला था कि जब तक मैं उस बिल्ली को नहीं देखता हूँ तब तक ये बिल्ली इस पूरे यूनिवर्स में कहीं भी हो सकती है, तब तक ये बिल्ली इस पूरे यूनिवर्स में कहीं भी हो सकती है, लेकिन जब मैं इच्छा जताऊंगा कि मुझे इस बिल्ली को देखना है तब वो बिल्ली वहां पे पहुंच जाएगी। अब आपको ये सब लग रहा होगा, अरे भाई ये क्या बोल रहा है मजाक, भाई तुम तो मजाक कर रहे हो, बिल्ली तो पहले से इसके अंदर थी। नहीं, वो एग्जांपल देके बात करना चाहते थे प्रोटॉन्स की, फोटॉन्स की और इलेक्ट्रॉन्स की। ओके इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स ऐसे दो पार्टिकल्स हैं, इनमें से एक पार्टिकल ऐसा, मेरे को उसका भी नाम याद नहीं आ रहा है, हम लोग जब कभी भी लेजर बीम के ऊपर उसको ऑब्जर्व करना चाहते थे तभी फोटॉन्स दिखाई देता था। नहीं तो सपोज जैसे देखिए कि यहाँ पर एक लेजर बीम है, यहाँ पे मैंने दो कैमरास लगाए हुए हैं, ओके मैंने यहाँ पे दो हाई डेफिनेशन कैमरास लगाए हुए हैं,
पहले ये कैमरा नहीं थे, मैंने मानता हूँ चलो वो मेरा फोटोन है ओके, पहले ये कैमरा नहीं लगे हुए थे तो मेरा फोटोन डिटेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन कैमरा लगते ही फोटोन मेरा डिटेक्ट होने लग जाता है। अब बात क्या पता है, जब मैं इच्छा जाता हूँ मुझे देखना है उसको, वो वहां पे है कि नहीं है, तो वो पूरे यूनिवर्स में कहीं भी हो मेरे इच्छा अनुसार वो वहां पर आ जाएगा। समझ गए, ये होता है क्वांटम वर्ल्ड, जो आपको शायद अभी समझ में न आ रहा हो, बट आप लोग जब क्वांटम फिजिक्स वगैरह पढ़ेंगे, अगर आप लोग साइंस के बच्चे हैं तो आपको ये मतलब एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी आपका काम है सिर्फ इतना सा ही समझना और फिनलैंड से रिलेटेड सवाल करना ओके। चलिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने ये सब जानकारी आपको दी है, बट बच्चा कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, साइंस का हो, आपको एक बार तो क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ना चाहिए। गूगल ने इसके ऊपर एक अपना सेमिनार भी लिया था, मेरे को लेडी का नाम में भी याद नहीं आ रहा है, उन्होंने क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में सब कुछ बताया था उसके अंदर ओके। चलिए बताइए, फिनलैंड की राजधानी क्या है ओके, फिनलैंड की राजधानी क्या है, फिनलैंड की करेंसी क्या है, और यहाँ के पीएम कौन है, और यहाँ पे एक वन डे पीएम भी किसी को बनाया गया था तो उसका नाम भी बताना है आपको। चलिए, इसकी राजधानी है हेलसिंकी ओके, यहाँ की करेंसी है यूरो, यहाँ के पीएम है सोना मरीन ओके, और यहाँ पे वन डे पीएम किसको बनाया गया था, इवा मुर्तो को बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC, निम्नलिखित में से किसे तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC के निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, किसे किया गया है, पोमिला जसपाल को किया गया है ओके। चलिए, ONGC क्या है हम लोग को, देखिए ONGC इसको महारत्न का दर्जा प्राप्त है, ONGC को महारत्न का दर्जा प्राप्त है ओके। चलिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, इसके हेड कौन है, अलका मित्तल क्या है, इसकी हेड है अलका मित्तल ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगर आपसे तो कुछ और नाम पूछो मैं यहाँ पे, तो आप लोग अगर मुझे बता पाए बताइए, रवि कपूर कौन है, रवि कपूर जितना नाम मुझे अभी याद आ रहा है फिलहाल के लिए बताइए, रवि कपूर कौन है ओके। CBIC के हेड कौन है, CBIC के हेड कौन है बताइए, अलका उपाध्याय कौन है, अलका उपाध्याय ओके, अलका उपाध्याय, अलका उपाध्याय कौन है, तो देखिए यहाँ पर आपके रवि कपूर कौन है, संसद टीवी के क्या है, हेड है संसद टीवी ओके। CBIC के हेड कौन है यहाँ पे आपके, ये है विवेक जौहरी, और अलका उपाध्याय कौन है, NHAI की हेड है, किसकी, NHAI की ओके। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ द डिजिट इंश्योरेंस, डिजिट इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर है जसलीन कोहली, क्या नाम है, जसलीन कोहली। और आई होप कि आपने डिजिट के ऊपर तो चलता हुआ प्रचार देखा ही होगा, डिजिट के ऊपर चलता हुआ प्रचार आपने देखा ही होगा, जिसके ब्रांड एम्बेसडर है विराट कोहली जी, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, विराट कोहली जी। तो आइए इसके ऊपर कुछ सवाल लिख के लेते हैं हम लोग, बताइए डिजिट इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, डिजिट इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है बताइए, और इसके MD एंड CEO का नाम तो हमने जस्ट अभी अभी देखा है जसलीन कोहली, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, कहाँ पर है, बेंगलुरु में ओके, बेंगलुरु में है, और इसके MD एंड CEO का नाम क्या है, जसलीन कोहली। चलिए, और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है,
ब्रांड अम्बेसडर कौन है? इसके ब्रांड अम्बेसडर विराट कोहली। ओके कौन है? विराट कोहली। अगर आपसे और नाम पूछूं बताइए, यूपीएससी के नए चीफ कौन बने हैं, क्या नाम है उनका? उनका नाम है मनोज सोनी। क्या नाम है उनका? मनोज सोनी। ओके बताइए मनोज पांडे कौन है? यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, मनोज पांडे कौन है? मनोज पांडे कौन है? मनोज पांडे कौन है? मनोज पांडे है नए आर्मी चीफ। ओके नए आर्मी चीफ। चलिए बताइए दिनेश सकलानी कौन है? शायद आपने नाम उनका सुना हो, अगर कभी आपने बुक अच्छे से पढ़ी होगी अपने एनसीईआरटी की। दिनेश सकलानी कौन है? ये आपके एनसीईआरटी के चीफ है। किसके? एनसीईआरटी के चेयरमैन। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू विच मेजर बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ECOSOC। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के किस प्रमुख निकाय के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के लिए चुना गया है भारत को। द कमिटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, द कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, द कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, द कमिटी ऑन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ओके चलो इसके अंदर कार्यकाल कितना होता है आप लोग थोड़ा इसके बारे में जानकारी लिख के लीजिए। UNECOSOC के बारे में। ओके कि इसके अंदर 54 देश क्या हैं? सदस्य हैं। ओके 54 देश सदस्य हैं और इसके अंदर कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। ओके चलो तो बढ़ते हैं आगे। आप लोग मुझे बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ये मेरा सवाल आपसे, बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाटर ट्रेन्स होल्ड की टू सर्वाइवल ऑफ 350 मगर क्रोकोडाइल्स। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में वाटर ट्रेन्स 350 मगरमच्छों के जीवित रहने का एकमात्र साधन बना है? मगरमच्छों के जीवित रहने का एकमात्र साधन बना है, बताइए कौन सा राज्य है वो? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। क्या है? राजस्थान का पाली गांव। वाटर ट्रेन्स के अंदर वहां के मगरमच्छ जिंदा है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए। विच इंडियन ग्रैंड मास्टर हैज वॉन 48th ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट? किसने जीता है ये? ये जीता है डी गुकेश ने, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डी गुकेश कौन है? भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है। कौन है? भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर। ओके अब बताइए देश के सब विश्व के ये सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? इनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। क्या नाम है? अभिमन्यु मिश्रा। ओके क्या नाम है इनका? अभिमन्यु मिश्रा। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए। विच क्रिप्टो करेंसी लेंडर हैज लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो पैक्ड पेमेंट कार्ड? किस क्रिप्टो करेंसी ऋणदाता ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है नेक्सो ने। किसने लॉन्च किया है? नेक्सो ने लॉन्च किया। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। विच बैंक वॉन ग्लोबल सिलेंट मॉडल बैंक अवार्ड फॉर इट्स ईपीएच इनिशिएटिव? किस बैंक ने अपनी ईपीएच पहल के लिए वैश्विक सिलेंट मॉडल बैंक का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है बताइए? इंडसलैंड। किसने जीता है? इंडसलैंड ने जीता है। ओके इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। ओके और इसके हेड कौन है? सुमन कठपालिया। क्या नाम है इनका? सुमन कठपालिया। चलिए
बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम इन इंडिया हैज बीन इनॉग्रेटेड एट विच स्वामीनारायण अक्षरधाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी. निम्नलिखित में से किस शहर में स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में भारत की पहली पोर्टेबल और सौ छत प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है गांधीनगर. कहाँ पे किया गया है? गांधीनगर में किया गया. अब मेरा आपसे सवाल ये कि बताइए अक्षरधाम मतलब कि सबसे बड़ा मंदिर अक्षरधाम का कहाँ पर है? अक्षरधाम का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यूनाइटेड नेशंस चाइनीज लैंग्वेज डे ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डे? किस दिन यूनाइटेड नेशंस चाइनीज लैंग्वेज डे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 अप्रैल को. किस दिन मनाया जाता है? ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है. चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द वेबसाइट उत्सव पोर्टल एज अ डिजिटल इनिशिएटिव ड्यूरिंग द अमृत समागम कॉन्फ्रेंस? अमृत समागम सम्मेलन के दौरान किस मंत्रालय ने डिजिटल पहल के रूप में वेबसाइट उत्सव पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है टूरिज्म मिनिस्ट्री द्वारा. किसके द्वारा? टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा. ओके बच्चों, तो आज का हमारा जो करंट अफेयर है ये बहुत जल्दी खत्म हो गया क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे और क्वेश्चंस बहुत इजी थे. ओके, तो आइए आपके लिए एक न्यूज है, अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो लाइक CDS, SSC, रेलवे एंड बैंकिंग एंड ऑल, तो अंकुश मिश्रा मैथ्स के ऊपर GS का स्पेशल बैच लॉन्च किया जा रहा है. मतलब पूरा का पूरा बैच फ्री होगा. आप सब मतलब कि जो साइंस में वहां पे आपको पढ़ा दूंगा वही साइंस आपके पेपर में आएगी, पूरी गारंटी है. आपका हर एक क्वेश्चन वहां से फंसेगा. तो आइए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी में जोड़ डालिए. ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और जो क्वेश्चंस मैंने आपको किया आप उसके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना. ओके, तो आज के लिए इतना ही. तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय. जय हिंद, जय भारत. पढ़ते रहिए और खुश रहिए. चलिए बाय.